हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ मेवाड़ के इतिहास का मित्रों अलग एक अगला पार्ट। और इस पार्ट में हम अमर सिंह के बाद की जो मेवाड़ की कहानी है उसके बारे में जानेंगे। मित्रों, अमर सिंह के बाद जो था मेवाड़ के इतिहास में नया मोड़ आ गया, क्योंकि अमर सिंह के काल में ही 1615 को 5 फरवरी 1615 को जो मुगल मेवाड़ संधि होती है उसके अंदर मेवाड़ जो रियासत है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेती है। अब क्या होता है मित्रों, उसके बाद की कहानी जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, मेवाड़ की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं जीवा शाह के बारे में। मित्रों, ये जीवा शाह कौन थे और मेवाड़ के इतिहास में इनका क्या महत्व है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये जीवा शाह मित्रों भामा शाह के पुत्र थे। भामा शाह वही व्यक्ति थे जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और जिन्होंने अपनी आर्थिक सहायता देकर महाराणा प्रताप को उनका राज्य स्थापित करने में और हल्दीघाटी के युद्ध में उनकी हेल्प की थी। मित्रों, जीवा शाह भामा शाह के पुत्र थे और ये अमर सिंह के काल में मेवाड़ राज्य के दीवान थे। महाराणा प्रताप के काल में भामा शाह उनके शासन में दीवान का पद प्राप्त किए हुए थे, लेकिन उनके बाद भामा शाह के बाद उनका पुत्र जीवा शाह अमर सिंह के काल में दीवान था। और 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि होती है मित्रों, तो ये जीवा शाह जो होता है वो अमर सिंह के साथ ही और करण सिंह के साथ अजमेर में जहांगीर के सामने उपस्थित होते हैं। कौन कौन होता है मित्रों, मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 में हुई थी उसके अंदर एक शर्त थी कि मेवाड़ का महाराणा स्वयं उपस्थित होगा संधि करने के लिए अजमेर में जहांगीर के समक्ष। तो इसमें मित्रों कर्ण सिंह जो होता है अमर सिंह का पुत्र, कर्ण सिंह और जीवा शाह ये दोनों मित्रों जहांगीर से संधि करने के लिए अजमेर में जाते हैं, उसके संधि के तहत उसके सामने उपस्थित होते हैं। तो यहाँ क्या है, जीवा शाह की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मित्रों, अब जानते हैं हम कर्ण सिंह के बारे में, जिनके कारण ही मेवाड़ मुगल संधि संपन्न होती है। और इनकी क्या थी मित्रों, इनकी शाहजहां के साथ घनिष्ठ मित्रता थी कर्ण सिंह की, और जहांगीर के साथ भी इनकी अच्छी बनती थी। इसी कारण क्या हुआ, मुगल मेवाड़ जो संबंध है उनमें संधि जैसी एक परिस्थिति पैदा हुई। मित्रों, इतने सालों से चला हुआ संघर्ष थोड़े से टाइम में इतनी जल्दी मतलब इतनी सुगमता से सरल हो गया या संघर्ष समाप्त हो गया, तो इसका कारण मित्रों कर्ण सिंह थे जो अमर सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म मित्रों 7 जून 1584 को होता है और इनका मित्रों राज्याभिषेक जो है वो 26 जून 1620 को इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक होता है। मित्रों, ये मेवाड़ के पहले शासक थे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में बनता है कि ये मेवाड़ के पहले शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, मेवाड़ के पहले शासक थे जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, और इन्हें ही पहली बार मेवाड़ के ये पहले शासक थे जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए और इन्हें ही पहली बार अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा से नवाजा गया। मित्रों, वैसे तो मुगल दरबार में लगभग राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की जो मनसबदारी प्रथा थी उसमें भाग ले रखा था, या सभी को मनसबदारी प्रथा के अनुसार मनसब प्राप्त थे। लेकिन मेवाड़ के पहले शासक कौन थे जिन्हें मनसबदारी प्रथा में शामिल किया गया, तो वो थे कर्ण सिंह। मेवाड़ के कर्ण सिंह पहले शासक थे मित्रों। इसके बाद जानते हैं कि कर्ण सिंह के काल में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। मित्रों, 1622 में क्या होता है कि शहजादा खुर्रम यानी कि जो शाहजहां होता है वो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करके मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ आकर मित्रों
खुर्रम के घनिष्ठ मित्र कर्ण सिंह ने पहले उसे जो वो आ जाता है विद्रोह करके, तो पहले तो ये जो कर्ण सिंह होते हैं उन्हें दिलवाड़ा की हवेली होती है मित्रों, वहाँ पर शरण देते हैं, दिलवाड़ा की हवेली में शरण देते हैं, दिलवाड़ा की हवेली में शरण देते हैं। और फिर उसके बाद मित्रों उदयपुर की जो पिछोला झील है उसमें स्थित एक जग मंदिर महलों में शरण देते हैं उसको, यानी कि उसको छिपाते हैं जग मंदिर महलों में। मित्रों कहा जाता है कि यहीं से ये जो शाहजहाँ था इसको ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी, क्योंकि जो जग मंदिर महल थे वो झील में बने हुए थे, पूरी तरह चारों तरफ पानी था, और ये जो पूरी इमारत थी जग मंदिर महलों की वो क्या थी, संगमरमर से बनी हुई थी, सफ़ेद संगमरमर से। तो इसकी सुंदरता को देखते ही शाहजहाँ ने यहीं पर रहते हुए ताजमहल बनाने का एक योजना बना ली थी, और कालांतर में ताजमहल जैसी सुंदर प्रतिमा को मित्रों अपनी कल्पना को इन्होंने एक रूप दे दिया जो आज विश्व के सात आश्चर्यों में शामिल है। यहाँ क्या है कि जग मंदिर महलों में शाहजहाँ कुछ दिन ठहरते हैं, फिर क्या होते हैं कर्ण सिंह जो होते हैं उनको मांडू भेज देते हैं। कर्ण सिंह क्या उनकी पूरी तरह सहायता करते हैं, मित्रता निभाते हुए कि क्या करते हैं उनको मांडू भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं मित्रों, तो शहजादा खुर्रम को मांडू भेज देते हैं। खुर्रम मित्रों अपने मेवाड़ प्रवास के मेवाड़ प्रवास का जो काल होता है, जिस टाइम वो मेवाड़ में छिपे होते हैं, तब एक गुफुर बाबा की मजार का भी खुर्रम द्वारा निर्माण किया जाता है, गुफुर बाबा। मित्रों यहीं से इस बात का पता चलता है कि खुर्रम जो शाहजहाँ के नाम से जाने जाने वाले थे भविष्य में, उनके अंदर स्थापत्य कला के प्रति विशेष रुचि थी या विशेष प्रेम था, स्थापत्य कला की रुचि उनकी। जो ये जब हम देखते हैं कि उन्होंने गुफुर बाबा की मजार बनाई या और भी कई स्थापत्य से संबंधित कार्य किए, जब तक तो राजा तो बने नहीं थे, मुगल बादशाह बने नहीं थे, तो ये चीज़ें उनकी स्थापत्य संबंधी रुचि को दर्शाती है। महाराणा कर्ण सिंह ने उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण करवाया। कर्ण सिंह की मित्रों अगर हम उपलब्धियाँ देखें तो कर्ण सिंह ने स्थापत्य के क्षेत्र में कर्ण विलास, उदयपुर में एक महल है मित्रों जिसका नाम है कर्ण विलास, और मित्रों दिलखुश महल इसका निर्माण मित्रों कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके बाद मित्रों कर्ण सिंह ने जग मंदिर महलों का निर्माण तो शुरू करवा दिया, लेकिन वो इनको पूरा नहीं करवा सके और उनसे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 1628 में कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जग मंदिर महलों का जो निर्माण है वो उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम जो होते हैं वो पूरा करवाते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं भीम सिंह के बारे में। ये जो भीम सिंह थे मित्रों ये कर्ण सिंह के छोटे पुत्र थे, कर्ण सिंह के छोटे भाई थे मित्रों, और मित्रों अमर सिंह के छोटे पुत्र थे और कर्ण सिंह के छोटे भाई थे। भीम सिंह जब कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो भीम सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं, और भीम सिंह की शहजादा खुर्रम का खास मित्र होता है। भीम सिंह क्या होता है, शहजादा खुर्रम का खास मित्र होता है, और उनकी सलाह पर ही खुर्रम द्वारा सारे काम किए जाते हैं। खुर्रम जो होता है वो मित्रता के मामले में मेवाड़ के जो शासक होते हैं उनसे काफ़ी मतलब मेलजोल बना के रखता है, मित्रता बना के रखता है। तो मित्रता के मामले में खुर्रम जो था वो मुगल बादशाहों में सबसे अग्रणी था, जिसने मेवाड़ के शासकों से हमेशा मित्रता बना के रखी। भीम सिंह शहजादा खुर्रम का मित्र व परामर्शदाता था। खुर्रम उसकी ताकत व व्यवहार से बहुत प्रसन्न था, इसलिए उसने अपने पिता जहांगीर को उसकी सिफारिश की, यानी कि उसने भीम सिंह को
मुगल दरबार में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए अपने पिता जहांगीर से भीम सिंह की सिफारिश की। जहांगीर ने इस सिफारिश के आधार पर उसको राजा की पदवी दी। राजा की पदवी किसको दी मित्रों? भीम सिंह को। भीम सिंह को राजा की पदवी दी और उसे टोडा का छोटा सा क्षेत्र दिया जो बनास नदी के किनारे था, और टोडा मित्रों इस इलाके की राजधानी थी। भीम सिंह ने अपना नाम अमर करने के लिए स्थापत्य के क्षेत्र में एक नए नगर राजमहल का निर्माण करवाया। आज भी हम जब बनास नदी के किनारे मित्रों ये शहर बसा, नगर बसा हुआ है, और इस नगर का जो निर्माण करवाया गया वो भीम सिंह के द्वारा करवाया गया, और वर्तमान में ये टोंक जिले में है, और टोंक जिले में देवली तहसील के बिसलपुर बांध के पास स्थित है। मित्रों आप जानते हैं कि जो टोंक जिले में बनास नदी बहती है, और बनास नदी पर ही मित्रों ये देवली तहसील जो है वहाँ पर ये मतलब इन्होंने राजमहल नगर का निर्माण करवाया, और बनास नदी पर ही मित्रों बिसलपुर बांध है। बिसलपुर बांध है। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं जगत सिंह प्रथम के बारे में। मित्रों 1628 में जब कर्ण सिंह का देहांत हो जाता है, और उसके बाद मित्रों जगत सिंह जो प्रथम है वो एक प्रत्यक्ष शासक के रूप में सामने आते हैं। भीम सिंह शासन तो संभालते हैं लेकिन एक प्रत्यक्ष राजा नहीं होते जनता के सामने। लेकिन जब कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद मित्रों जो उनका असली जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम। भीम सिंह को मित्रों छोटी सी जागीर से ही संतुष्टि हो जाती है। उन्हें शासन का राजा बनने का कोई आशा, पूरा शासन जो था भीमावड़ का संभालने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें कोई रुचि नहीं होती है। उसके कारण मित्रों जगत सिंह प्रथम जो है वो कर्ण सिंह के बाद अगले मेवाड़ के शासक बनते हैं, और इनका शासन जो है मित्रों 1628 से लेकर 1652 तक रहता है। यानी कि अपनी पिता कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद से लेकर 1652 तक इनका शासन रहता है। अब जानते हैं कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुईं। महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो राज्याभिषेक था मित्रों वो इनके पिता की मृत्यु के बाद 28 अप्रैल 1628 को होता है। 16 अप्रैल 1628 ईस्वी को होता है। मित्रों महाराणा जगत सिंह का जो शासनकाल था वो पूरी तरह शांति का काल था। कुछ नीतियाँ इन्होंने ऐसी अपनाई कि इन्होंने अपने आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको ज़रूरत के अनुसार इन्होंने जीत कर अपने साम्राज्य में भी मिलाया। इन्होंने मुगलों से अपने शासनकाल में शांति व्यवस्था या शांति बनाए रखने के लिए कभी झगड़ा, व्यर्थ का झगड़ा मोल नहीं लिया। इन्होंने शाहजहाँ से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे, उनके साथ एक संतुलन की स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया। महाराणा जगत सिंह ने 1615 में की गई मुगल मेवाड़ संधि का मित्रों उल्लंघन किया और चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई। ये पहले शासक थे जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि के बाद, जो 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है मित्रों उसकी शर्तों के विपरीत जाते हुए, मुगल मेवाड़ संधि की एक शर्त ये थी कि चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा लेकिन चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई जो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन थी, और जिस कारण मित्रों बादशाह शाहजहाँ था उस टाइम, शाहजहाँ का शासनकाल चल रहा था मुगल दरबार में या मुगल शासन में, तो उस टाइम मित्रों शाहजहाँ को ये बात बुरी लगी और उसने 1621 में मित्रों महाराणा जगत सिंह के खिलाफ एक फरमान जारी किया। फरमान मतलब आज का हम ऑर्डर कह सकते हैं, और ये जगत सिंह के विरुद्ध जारी कर प्रतापगढ़ और शाहपुरा
ये जो दो रियासतें थी मित्रों, ये मेवाड़ के अधीन आती, मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आती थी। इसको क्या किया शाहजहाँ ने, प्रतापगढ़ और शाहपुरा को मेवाड़ रियासत से पृथक कर उन्हें अलग रियासत की मान्यता दे दी, अलग रियासत की मान्यता दे दी। तो जगत सिंह के फर्स्ट के काल में एक ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। अब मित्रों एक व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं मेवाड़ के इतिहास में, जो कि एक महिला थी जिनका नाम था नौजूबाई। अब मित्रों ये नौजूबाई कौन थी, ये नौजूबाई जगत सिंह प्रथम की दाई माँ थी, जगत सिंह प्रथम की दाई माँ थी। इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, तो मित्रों इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। कहाँ किया मित्रों, महाराणा जगत सिंह की दाई थी जिसने जगत सिंह द्वारा बनाए गए जगदीश मंदिर के पास ही एक मंदिर बनवाया, जिसे धाय माँ का मंदिर कहा जाता है या धाय का मंदिर कहा जाता है। ये इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य करवाया, एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसको धाय का मंदिर कहा जाता है। मित्रों महाराणा जगत सिंह की अगर स्थापत्य कला के बारे में जाने, उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, तो उन्होंने उदयपुर में, उदयपुर जो मेवाड़ की राजधानी थी मित्रों, उदयपुर जो था वो उस टाइम में मेवाड़ के जो शासकों का जो निवास स्थान था, प्रमुख निवास स्थान जो था वो उदयपुर था। और उदयपुर में अर्जुन की निगरानी में इन्होंने 1650 ईस्वी में, अर्जुन एक व्यक्ति का नाम है, शायद ये इनका प्रमुख विश्वास पत्र रहा होगा, और अर्जुन की निगरानी में 1650 ईस्वी में जगन्नाथ राव के मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया, जगन्नाथ राव के मंदिर का निर्माण करवाया। मित्रों ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर निर्माण की मित्रों तीन शैलियां है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है लगभग सभी नागर शैली में बने हुए हैं। और ये जो मंदिर है जगन्नाथ राव का मंदिर जो जगत सिंह प्रथम ने बनाया 1650 में मित्रों, ये नागर शैली में है। और मित्रों ये भगवान विष्णु का भव्य मंदिर है, भगवान विष्णु का भव्य मंदिर है। और इसमें मित्रों पंचातायन शैली का प्रयोग हुआ है। पंचातायन शैली क्या होती है मित्रों, तो पंचातायन शैली का मतलब क्या होता है कि एक साथ पांच भगवानों की मंदिर में पूजा होती है। जैसे प्रमुख जो भगवान होते हैं जिनका मंदिर होता है उनकी मूर्ति बीच में लगी होती है, बाकी एक मूर्ति इधर होती है, एक मूर्ति इधर होती है मित्रों, एक इधर होती है, एक दिन चार कोनों में चार होती है। और बीच में जो जिनका प्रमुख रूप से मंदिर होता है, जैसे विष्णु का मंदिर है, तो इनकी मूर्ति बीच में लगी रहती है, इन्हीं को क्या कहते हैं मित्रों, पंचातायन शैली कहते हैं। मित्रों ये जो विष्णु भगवान का मंदिर है, इसका जो प्रमुख वास्तुकार था, वास्तुकार कौन था मित्रों, भाणा था, और उसके पुत्र मुकुंद थे, उसके पुत्रों ने भी उसका सहयोग किया। और उसके पुत्र मुकुंद, ये जो पिता पुत्र थे, इनकी जोड़ी ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की प्रमुख बात यह है कि मित्रों इसमें जगत सिंह ने एक प्रशस्ति लगवाई, जगत सिंह ने एक प्रशस्ति लगवाई। और इस प्रशस्ति का नाम क्या है मित्रों, ये राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ये किस मंदिर में लगी हुई है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है मित्रों। तो ये इस जगन्नाथ राव के भव्य मंदिर में लगी हुई है जो उदयपुर में है, और विष्णु मंदिर है मित्रों, और ये नागर शैली में बना हुआ है। अब मित्रों जानते हैं कि इस जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, किसके द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई, कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना की।
इस तरह मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है हमारे लिए कि इस मंदिर में जगन्नाथ राय मंदिर में एक प्रशस्ति लगी हुई है और उस प्रशस्ति को जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं और इस प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे कृष्ण भट्ट। इसके बाद हम जानते हैं कि इसी मंदिर इसको जगदीश मंदिर भी कहा जाता है मित्रों। इसको क्या कहा जाता है, इस मंदिर का नाम क्या है, जगदीश मंदिर भी इसको कहा जाता है। ये मंदिर उदयपुर में है, इसी के पास ये नजूबाई द्वारा बनवाया गया धाय मंदिर भी स्थित है। महाराणा जगत सिंह ने मित्रों एक महत्वपूर्ण विजय की थी, सिरोही विजय, और अपनी इसी विजय को अमर बनाने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए इन्होंने पिछोला झील जो उदयपुर में है, पिछोला झील में एक मंदिर मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। मित्रों इन्होंने जग मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्ण करवाया, जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था इनके पिता कर्ण सिंह ने और उसे पूर्ण करवाया जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम का जो निधन है मित्रों वो 10 अप्रैल 1652 को होता है। तो ये जो था मित्रों पूरा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल था, कर्ण सिंह का शासनकाल था। तो मित्रों इसके आगे का जो पाठ है हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।